माननीय श्री रुपेश सेठ गायकवाड़ पुरस्कृत प्रतियोगिता ओले प्रीमियर लीग ओपीएल 2024 मैच की शुरुआत होने जा रहा है। एक तरफ है टीम, आप देख सकते हैं मैदान के अंदर सोहम रुनाल स्पोर्ट्स और दूसरी तरफ सिद्धि विनायक एंटरप्राइजेस। अजीत मुंगा जी जिन्होंने आज 6 गेंदों पे 6 सिक्स लगाया। रोशन मुंगा जी आज ही इनका यहाँ पर इंगेजमेंट हुआ है और हमारे अंपायरिंग पैनल और कमेंट्री बॉक्स और हमारी कमेटी की तरफ से आर्या स्पोर्ट्स की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। कॉन्ग्रेचुलेशन रोहन मुंगा जी, रोशन मुंगा जी। संयम पाटिल नौ स्ट्राइक रेंट पर, पहली गेंद फुल टॉस ऑन ड्राइव किया है, बॉल जाता हुआ यहाँ पर वाइडिश मिड विकेट की तरफ। बैट से पहला रन इस मैच का अजीत मुंगा जी जिन्होंने 6 गेंदों पे 6 सिक्स लगाया, आज रिकॉर्ड तोड़ बैटिंग मैदान के अंदर देखने को मिला। रोशन मुंगा जी वॉलिंग मार्क पर, उनके लिए आज बड़ा दिन, उनके जीवन करियर की अगर बात करें तो लाजवाब शॉट इनसाइड आउट ओवर पिच बॉल एक्स्ट्रा कवर के रीजन में लाजवाब एफर्ट वहां पर, उम्दा फील्डिंग। सनी गायकवाड़ वहां पर खड़े थे गेंद को फील्ड करने के लिए और आखिरी मोमेंट पे आके टीम के लिए रन सेव करते हुए। दृश्या स्पोर्ट्स की टीम को पूछिए एक रन की कीमत क्या होती है, जिस हिसाब से एक रन से मैच हारे वहां पर प्रसाद गायकवाड़। ओवर द विकेट फुल लेंथ बॉल हाफ वॉली गेंद थी, ड्राइव किया है गैप पे शॉट डीप लॉन्ग ऑन पे कोई खिलाड़ी मौजूद नहीं, थोड़े से वाइड स्पीड विकेट पे खड़े थे और रन मिलेंगे टोटल 4। अच्छी शुरुआत, पहली बॉल पर अजीत ने सिंगल प्राप्त किया, उसके बाद डबल और फिर चौका। संयम पाटिल लाउड अपील कॉट बिहाइंड बैटर आउट, पहला झटका लगता हुआ 7 रन के स्कोर पर आउट हुए बल्लेबाज, 6 रन बनाकर संयम पाटिल 7 के स्कोर पर पहला झटका। संजय जी पाटिल बॉस आपको खेलते हुए नजर आ रहे मैदान के अंदर, 40 प्लस क्रिकेट जिनके माध्यम से दमदार प्रदर्शन रहा। 7 पर पहला विकेट गिरा आउट हुए 6 रन बनाकर संयम पाटिल, अब नए बैट्समैन आए तुषार गायकवाड़ इन नेट नंबर 3। मिड ऑन पर अच्छा स्टॉप, रन आउट का मौका था लेकिन बॉल तो हाथ में आना चाहिए था, लेकिन डॉट बॉल जरूर जहां पर अगर गेंद निकल जाती तो शायद ये चौका हो सकता था क्योंकि बैकअप कोई था नहीं, जो खिलाड़ी खड़े मात्र मिड विकेट पर खड़े और डीप लॉन्ग ऑफ और एक्स्ट्रा कवर के बीच में मात्र एक खिलाड़ी खड़े क्योंकि पावर प्ले ओवर है। फुलर लेंथ बॉल और अक्रॉस द लाइन जाकर स्वीप करना चाह रहे थे लेकिन थोड़ा सा जो टप्पा खाने बाद गेंद अंदर आया, इसी के साथ ओवर की समाप्ति, पहला ओवर कंप्लीट होता हुआ रोशन मुंगा जी का और जिसमें रन खर्चे उन्होंने टोटल 7, एक विकेट भी सफलता संयम पाटिल का और एक ओवर के खेल के बाद कुल स्कोर है टीम सोहम रुनाल स्पोर्ट्स का 7। पिछले 6 दिन से हमारी इस प्रतियोगिता में आप ये गाना सुन रहे हैं जिस पर आपसे ये थीम सॉन्ग इस प्रतियोगिता का टूर्नामेंट का सिद्धेश ट्रॉफी 4 दिन तक चलता हुआ नजर आया, भातन टीम चैंपियन रही और ओपीएल उसके बाद डे नाइट पहली मर्तबा ओपीएल में आप देखते हैं डे नाइट फॉर्मेट। बॉस बॉलिंग मार्क पर आया यानी संजय पाटिल 40 प्लस के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी में से एक मिस्टर मास्टरमाइंड, सामने अजीत मोंगा जी
जिन्होंने सेकंड 50 लगाया था ओपीएल की सीजन का, और 6 बॉल 6 सिक्स। पहली बॉल स्लिंगा स्टाइल ऑफ स्टंप के काफी बाहर, ये गेंद व्हाइट बिल्कुल मलिंगा की तरह दिख सकते, बॉलिंग एक्शन बॉस का और स्लिंगा स्टाइल। फुल टॉस बॉल, स्लॉक किया है गेंद को, स्लॉक स्वीप और गेंद जाता हुआ इन फ्रंट ऑफ स्क्वायर डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग के ऊपर से इस मैच का पहला सिक्सर आता हुआ अजीत मुंगा जी के द्वारा। करके अगर 6G लगाते तो है अजीत मुंगा जी, दमदार बैटिंग करते हुए इस बार फुल टॉस बॉल थी, ऑन दी टो फुल टो सीधा स्क्वायर लेके ऊपर से टीम का स्कोर आगे पहुंचता हुआ 14। सामने की तरफ ड्राइव किया है, लॉन्ग ओवर खिलाड़ी इस मरतबा मौजूद है, संजय पाटिल गेंदबाजी कर रहे हैं, अच्छी वापसी, कहीं ना कहीं पिछली गेंद थोड़ी सी खराब थी, उनको खुद पता है कि सामने जो खिलाड़ी है उच्च स्तरीय खिलाड़ी अजीत मुंगा जी, स्ट्राइक रोटेट हुआ है। अब तुषार गायकवाड़ के खिलाफ संजय पाटिल कैसी गेंदबाजी करते हैं दायां से ओवर द विकेट, लाइन देखने की कैसी है, डाउन द लेग यानी वाइट, ये एक्स्ट्रा रन आएगा सोहम मृणाल स्पोर्ट्स टीम के लिए, स्कोर आगे पहुंचता हुआ जा पहुंचा है 16-16 पर। समाधान जी गायकवाड़ हमारे साथ स्कोरिंग की भूमिका अदा करते हुए, ओवर द विकेट संजय पाटिल, फिर वही गेंद जो इससे पहले अजीत मुंगा जी को डाली गई थी उस पर 6 आए थे और इस पर भी 6 होंगे, रिजल्ट वही है लेकिन बल्लेबाज इस बार अलग, तुषार गायकवाड़ के बैट से निकलता हुआ 6, टीम का स्कोर 22। मुंगा जी आप देखते हैं उनके लिए ये गीत समर्पित हमारे डीजे सैंडी एसडीसी साउंड के माध्यम से। यस बॉल आया नहीं है, मैच बॉल, तो दूसरी गेंद यहां पर मुहैया करानी है। ट्वेंटी टू 22 रन टोटल स्कोर स्कोर कार्ड पर लगे, चला दूसरा चेंडू पाठो मैदान। जल्दी बॉल भेजिए ना तो एमडी गड़गे सर आएंगे फिर। तर चंडूची पूर्तता करायची आहे, महागुरु एमडी गडगे सर सबसे ट्रेंडिंग में चलते हुए, जय श्री राम गणपति बाप्पा। अजून लगत वाटत नाही चेंडू आले, क्रिकेट के मैदान में ऐसा लग रहा है कि यहां पर टेनिस का स्पोर्ट चल रहा है, नोवाक जोकोविक जैसे राफेल नडाल बॉल चॉइस करते हैं टेनिस का, वैसे यहां मैदान पे अजीत मुंगा जी कर रहे हैं। फाइनली चलिए बॉल चॉइस किया यहां पर अजीत ने, फुल टॉस बॉल ओवर द बॉलर हेड शॉट लॉफ्ट ड्राइव, गेंद जाता हुआ यहां पर लॉन्ग ऑन एरिया में, सिद्धि विनायक का इंटरप्राइजेस फील्डिंग करती हुई टीम ग्रीन जर्सी में ऑरेंज आर्मी, एक तरफ आप देख सकते हैं टीम यानी मृणाल सोहम स्पोर्ट्स। स्कोर की तरफ आपको लेकर चलेंगे, टोटल स्कोर हुआ 23, 23 सिंगल आया सिक्सर के बाद, स्ट्राइक है अजीत के पास, राइट अराउंड संजय पाटिल बॉस, फुल टॉस गेंद स्लॉक किया है, फ्लैट शॉट एग्जीक्यूट हुआ रही बड़ी विकेट, बॉस ने यहां पर सही काम किया है, बॉस इज ऑलवेज राइट। और ये बड़ी विकेट है अजीत मुंगा जी का, ठोके डीजे,
राइट, बॉस ने यहाँ पर सही कार्य किया है, विकेट दिलाया और बड़ी विकेट संजय पाटिल ने यहाँ पर चटकाया है। प्रमोद मुंगा जी के द्वारा अच्छा कैच वहां पर, वापसी करती हुई टीम अब सिद्धिविनायक एंटरप्राइजेस इस मैच में। ओवर पिच बॉल थी, ड्राइव किया है, हाफ वॉली गेंद, गेंद को ऑनसाइड की तरफ ढकेला है जहां पर खिलाड़ी मौजूद है जिन्होंने लाजवाब कैच पकड़ा अजीत मुंगा जी का। ओवर की हुई है समाप्ति, इसी के साथ दो ओवर कंप्लीट। चार ओवर के मैच में प्रथम बैटिंग करती हुई टीम सोहम एंड ब्रुनाल स्पोर्ट्स का स्कोर हुआ है 2 विकेटों के नुकसान के बाद, कुल स्कोर संख्या 24-24। चलते हैं हमारे डीजे सैंडी के पास। सामना असेल जानवी स्पोर्ट्स आणि त्याचबरोबर त्यांच्या समोर असेल टीम प्रियांक अँड प्रियांशी स्पोर्ट्स। जानवी स्पोर्ट्स आणि प्रियांक अँड प्रियांशी स्पोर्ट्स हे दोन दोघी कॅप्टन, यांना विनंती असेल दोन्ही कॅप्टनला नक्कीच। जानवी स्पोर्ट्स आणि प्रियांक प्रियांशी टॉस साठी यायचे दोन्ही कर्णधाराने, कोणत्याही प्रकारचा वेळ घेऊ नका आणि हा मॅच देखील योग्य वेळेमध्ये समाप्त करायची आहे। प्रियांक प्रियांशी जानवी स्पोर्ट्स, अजून एक विनंती असेल जरा स्पीड अप करा फिल्डिंग टीम। फ्लाइटेड बॉल लॉफ्ट किया है ऑन साइड की तरफ, हवा में गेंद, फलक में, बल्लेबाज की जान हलक में एंड ओ यूटी आउट। तीसरा झटका 23-24 के स्कोर पर एक और झटका लगता हुआ सोहम ब्रुनाल स्पोर्ट्स टीम को। बोला गणपत मोस्ट डिमांडेबल और ट्रेंडिंग कमेंटेटर आज के आप देख सकते हैं पूरे रायगढ़ पनवेल में, मिस्टर एमडी कड़के सर महागुरु। स्टेज पर 100 से 150 भी अगर मान्यवर मेहमान होंगे तो उनके पास इतनी ताकत, उतनी शक्ति, उतनी क्षमता है कि सूत्र संचालन एंकरिंग इतने बढ़िया तरीके से करते हैं और वही कर सकते हैं। सिर्फ रिवर्स स्ट्रोक, जब सीधे बल्ले से रन आ रहा है तो क्या जरूरत है इस वक्त रिवर्स स्ट्रोक लगाने की, गेंद की मेरिट में खेलने की आवश्यकता। ऑलरेडी देखा जाए तो 3 विकेट गिर चुके, पिछले विकेट का सदमा अभी तक गया ही नहीं है। लाउड अपील यहां पर, बॉल जाता हुआ लॉन्ग स्टॉप एरिया की तरफ, डाइव लगाया जरूर है लेकिन दर्शन मिले हैं 4 के, घुटने के बल गिरे लेकिन 4 रन के दर्शन। बैट से रन है ये, अन्यथा अगर पैर पे जो आपने अपील किया है तो नीरज सर अवश्य यहाँ पर लेग बाय फोड़ देते, लेकिन ये बैट लगा है। गुड डिसीजन, क्वालिटी अंपायरिंग। नीरज रनावत पैनल द्वारा इस बार मिड विकेट एरिया में एक हाथ से पकड़ने का प्रयास, दर्शक बने खिलाड़ी, खिलाड़ी बना दर्शक और ये दर्शनीय स्ट्रोक 6 रन। लोड होंगे थोड़े समय बाद रात में पोस्ट। यश पाटिल रील स्टार आप देख सकते हैं, हेयर स्टाइल भी बिल्कुल स्टाइलिश, खिलाड़ी का अंदाज भी बिल्कुल स्टाइलिश। छोटा पैकेट बड़ा धमाका, स्कोर आगे पहुंचता हुआ जा पहुंचा है 35-35। थर्ड ओवर इन प्रोग्रेस, बॉलिंग करते हुए नीलेश गायकवाड़ आगे बढ़े, स्टेप आउट हुए, उसके बाद थोड़ा सा गेंद की जो गति थी कम किया, खींची हुई बॉल, लेग पाई का इशारा, ओवर की समाप्ति। तुषार गायकवाड़ के बैट से सिंगल, इसी के साथ 3 ओवर का खेल कंप्लीट। 3 ओवर के खेल के बाद टोटल स्कोर हो चुका है 36-36, 12 के औसत से रन बनाया जा रहा है बैटिंग टीम द्वारा। आखिरी 1 ओवर का खेल बाकी, सलाह जरा स्पीड अप करा फील्डिंग फटाफट लाउंड, यानी चौथा गोलंदाज बॉलिंग रन अप हो रहा डीजे। सागर प्लीज नाणेफेकीसाठी या। जानवी स्पोर्ट्स पुढची मॅच असेल अगेन्स्ट प्रियांक एंड प्रियांशी स्पोर्ट्स। संतोष मात्रे ऑन बॉलिंग मार्क, अनुभवी एक्सपीरियन्स गेंदबाज, ओव्हर द विकेट।
बैक ऑफ द लेंथ बॉल थी, सामने की तरफ खींचा है गेंद को, डीप एक्स्ट्रा कवर और कवर के बीच में से हल्की सी थी दरार, रन मिलेंगे इस बीच टोटल चार, चार रन बैटिंग टीम के खाते में, स्कोर पहुंचता हुआ 40 पर। तुषार गायकवाड़ फील्डिंग में परिवर्तन, बॉस जाते हुए आप देख सकते हैं अब शॉट कवर एरिया में, बिल्कुल सही डिसीजन क्योंकि ऑफ साइड में अटैक करते हुए लगातार बल्लेबाज तुषार, तेज बॉल स्किट हुई जुप करके सीधी बॉल, आड़े बैट से खेलने का प्रयास, अक्रॉस द बैट शॉट खेलना चाह रहे थे, इस बार प्रॉपर फुटवर्क और टाइमिंग नहीं हुआ, गेंद का प्लेसमेंट भी सही ठिकाने पे नहीं था जिसकी वजह से डॉट बॉल, अच्छी गेंदबाजी संतोष मात्रे एक्सपीरियंस, फ्लाइटेड डिलीवरी, इस बार थोड़ा सा हवा में गेंद को विद दिया था और फ्लाइटेड बॉल में स्टेप आउट होके बड़े स्ट्रोक की लालच में डॉट बॉल कर बैठे तुषार, अब डीप क्रीज में घुसते हुए, ये बढ़िया विकल्प, ये बढ़िया वेरिएशन ऑप्शन था और फुल टॉस गेंद सीधा लोअर फुल टॉस बॉल पहुंचा यहां पर मिड विकेट एरिया में, डीप क्रीज में पहले चले गए थे और इंतजार किया गेंद का और बैट स्विंग उतनी शानदार, एग्जीक्यूट किया शॉट को और 6 रन मिले। तुषार गायकवाड़ इस मैच में देखा जाए तो कुल मिलाकर अब तक 18 रन पर बैटिंग कर रहे हैं, टीम का स्कोर है 46। कम खर्चा ज्यादा चर्चा, यानी कम गेंदे इन्होंने फेस किया और पिंच हिटिंग वाली पारी खेलते हुए, धाकड़ खिलाड़ी धाकड़ बल्लेबाजी मैदान के अंदर, 46 स्कोर हो चुका है। संतोष मात्रे दो गेंदे अभी भी इस इनिंग की बाकी है, कितना टारगेट सेट किया जाएगा नेक्स्ट मैच का टॉस इसके बाद। फ्लाइटेड बॉल इस बार लॉफ्ट किया है, ऊंची काफी गई है, दूरी पूरी है, बॉल सीधा स्वीट स्पोर्ट्स के डग आउट में जाकर गिरता हुआ, यस इट इज अ सिक्सर, ब्रांडेड सिक्स, JWR सिक्सर। रन का अब तक ये ओवर आ चुका है, आखिरी ओवर डेथ ओवर में कहीं ना कहीं दमदार बल्लेबाजी तुषार गायकवाड़ द्वारा, आखिरी बॉल बॉलर के बगल से खेल दिया, गेंद लॉन्ग ऑन एरिया की तरफ, खिलाड़ी वहां पर गेंद को फील करेंगे, दो की कॉल है, आखिरी बॉल है, रनआउट का मौका लेकिन दिशा खराब, थ्रो का बैकअप में बॉस आए, बॉस से सब डरते हैं भाई, दो ही रन इस बॉल पर, चार ओवर का खेल कंप्लीट हुआ है, टोटल स्कोर हो चुका है 54, 54 टारगेट है 55, 55 का लक्ष्य यहाँ पर रखा गया इस मुकाबले में, 24 गेंदे 55 का टारगेट इस मुकाबले में, आप देख सकते हैं सोहम मृणाल स्पोर्ट्स टीम ने सिद्धि विनायक के लिए टारगेट रखा है, साला लौकरत लौकरत फील्डिंग लाउंड यानी लगेज बैट्समैन पटवा, 55 टारगेट। हेलो, नक्कीच आमच्या मंचावरती आता टॉस झाला, त्यामध्ये जानवी 11 टीम ने हा टॉस जिंकला, या सामन्यानंतर तुमचा निर्णय काय असेल तो त्वरित कळवा आणि मैदानामध्ये आपण लगेच उतरा। हॅलो, तसेच नक्कीच जानवी स्पोर्ट्सचे संघ मालक आदरणीय शक्तीजी गायकवाड साहेब यांना विनंती असेल आपण मंचावरती यायचे, इथे प्रत्येक संघ मालकाचा मान सन्मान या स्पर्धेच्या माध्यमातून केला जातोय, मी आदरणीय शक्तीजी गायकवाड साहेब यांना विनंती करतोय की आपण आमच्या मंचावरती यायचे। आणि तसेच बादशाह ग्रुपचे मालक चला लगेच बॅट्समॅन पाठवा प्लीज, तसेच मी विनंती करतो या बादशाह ग्रुपचे संघ मालक आदरणीय श्री कुणालजी मात्रे साहेब आणि त्यांच्या समवेत गुणपाल गायकवाड साहेब या दोन्ही मान्यवरांना विनंती असेल आपण देखील मंचावरती यायचे, त्यानंतर सिद्धेश इंटरप्राइजेसचे संघ मालक आदरणीय नंदराज शेठ मुंगाजी साहेब यांना देखील विनंती असेल, सर्व संघ मालकांचा या स्पर्धेच्या माध्यमातून आम्ही मान सन्मान पाहतोय,
ओले प्रीमियर लीग 2024 54 रनों का लक्ष्य यहां पर आप देख सकते मैदान के अंदर। और ये लंबे अंतराल के बाद ऐसा हुआ कि थोड़ा सा जो आंकड़ा 70-80 तक जा रहा था उसको कम किया है इंटर सिद्धि विनायक एंटरप्राइजेस टीम ने। चला लगे इस मैच चालू करा विनती सेल फील्डिंग लाउन गया टीम मृणाल सोहम स्पोर्ट्स टीम। 1,00,000 पहला पुरस्कार रनर अप टीम के लिए आप देख सकते 50,000 पुरस्कार। सीरीज के लिए गोल्ड रिंग साथ ही साथ बेस्ट बैट्समैन बेस्ट बॉलर के लिए स्पोर्ट्स साइकिल इस टूर्नामेंट में। और हेलो तर नक्कीच आपण पाहू शकाल या स्पर्धेमध्ये मालिका वीरासाठी मॅन ऑफ द सीरीज साठी इथे संस्कार स्पोर्ट यांच्या माध्यमातून एक बॅट दिली जाईल। आपण स्क्रीनवरती जरूर पाहू शकाल मॅन ऑफ द सीरीज साठी संस्कार स्पोर्ट यांच्या माध्यमातून ही बॅट आदरणीय संगमजी जितेकर साहेब यांच्या माध्यमातून पुरस्कृत केले संस्कार स्पोर्ट दापोली यांच्या माध्यमातून स्क्रीनवरती जरूर आपण पाहू। संस्कार स्पोर्ट्स आज पूरे महाराष्ट्र में ये सबसे चर्चित नाम। संगम जी जीतेकर दापोली कई ओपन क्रिकेट में खिलाड़ी। यस चला सामना चालू करायचा आहे। तुम्हाला प्रत्येक सत्रासाठी 20 मिनिटे दिली जातील आणि आमचा इथे टाइमर आता ऑन आहे। क्षेत्ररक्षक करणारी टीम आमचा टाइमर इथे ऑन आहे। तुम्हाला 20 मिनिटे दिले गेलेत त्या 20 मिनिटांमध्ये तुम्हाला सत्र संपवायचं आहे। यस थैंक यू संदीप जी। ओवर द विकेट पहली बॉल उड़ाया यहाँ पर इन फ्रंट ऑफ स्क्वायर गेंद जाता हुआ डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग यानी हमारे साउंड और कमेंट्री बॉक्स की तरफ आता हुआ बैट से रन 4। संतोष मात्रे के बैट से आता हुआ 4। संस्कार स्पोर्ट्स की तरफ से आप देखते हैं लिखा भी है उस पर बैट पर ओपीएल मैन ऑफ द सीरीज 2024 मैन ऑफ द सीरीज के लिए गोल्ड रिंग स्वर्ण अंगूठी भी रखा गया है। आप देख सकते हैं किसका सपना साकार होगा ओपीएल में। स्टैंड एंड डिलीवर बिल्कुल हिलने की भी जरूरत नहीं है। नजफगढ़ के नवाब वीरेंद्र सहवाग जैसी सिक्सर लगाते वैसी अंदाज यहां पर संतोष मात्रे द्वारा सीधा लॉन्ग ऑन के ऊपर से बिग सिक्सर JWR JWL सिक्सर। संतोष मात्रे इरादे स्पष्ट अटैकिंग क्रिकेट आक्रामक रवैया सकारात्मक सोच पॉजिटिव इंटेंट के साथ बैटिंग करने उतरे। संयम पाटिल बॉलिंग मार्क पर पावर प्ले ओवर टारगेट है 54 54 रनों का लक्ष्य 55 का टारगेट 54 बने थे 55 बनाने हैं तक शुरुआत अच्छी दो गेंदे 10। हाफ वॉली बॉल थी ड्राइव किया फॉलो थ्रू में ला जवाब स्टॉप गुड फील्डिंग चौकन्ने एक्टिव नजर आए पूरी तरह वहां पर बॉलर फील्डिंग में। कैमरामैन की बात करें आज हमारे कैमरामैन जो काफी अच्छा कार्य करते हुए लाइव टेलीकास्ट पप्पू हमारे कैमरामैन जो पास है और साथ ही साथ यश जिनेश और टेक्निकल टीम में राज ये सभी हमारे प्रणय पाटिल हमारे हेल्पर और साथ ही साथ आप देख सकते हैं संदेश जी पाटिल एंड संपूर्ण टीम यानी 24 लाइव इवेंट 2,55,000 सब्सक्राइबर फैमिली। जो दर्शक जुड़े अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया आपने तो विनती प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बेल आइकन दबाइए ताकि ग्रामीण क्रिकेट के लाइव मैचेस विद 4K क्लैरिटी के साथ एंजॉय करिए। यस कैमरा आप देख सकते 4K क्लैरिटी डॉट बॉल आया पिछली बॉल और इस बार बैकफुट पे यहां पर कट किया है बॉल जाता हुआ यहां पर गली एरिया में एकनाथ मुंगा जी वहां पर टीम के जो ओनर है खुद वहां पे मौजूद। 4 गेंदों के खेल की अगर बात करें तो अब तक टोटल स्कोर हो चुका है 11 टारगेट है 55 का 44 चाहिए यहां से
गेंदे बाकी है 20। बिग स्क्रीन पर आप देखते एलईडी टीवी एलजी का फॉलो थ्रू में अच्छा स्टॉप। इस बार रन लेना है नहीं लेना है, डबल माइंडेड थे लेकिन पहुंचे हैं, अंत भला तो सब भला। दुविधा में थे, थोड़ी सी हिचकिचाहट रनिंग बिटवीन द विकेट में। ओपीएल ग्रामीण में हम हर जगह ओपीएल देखते हैं, पूरे पनवेल रायगढ़ भिवंडी परिसर में थाने क्षेत्र में, लेकिन मेरे ख्याल से गांव के लिए और ग्रामीण के लिए पहला ऐसा प्रतियोगिता मैं सुन रहा हूं जो 1 लाख का पुरस्कार रखा गया जिसमें ओले गांव। अच्छा शॉट, इंप्रोवाइजिंग स्ट्रोक, रन मिलेंगे यहां पर टोटल 4। बॉल जाता हुआ लॉन्ग स्टॉप एरिया की तरफ, ओवर की हुई समाप्ति आखिरी बॉल पर 4 के साथ ओवर कंप्लीट। एक ओवर के बाद 55 का पीछा करती हुई टीम यानी सिद्धि विनायक एंटरप्राइजेस टीम का स्कोर हुआ है 16 रन, यानी जीतने के लिए यहां से रन बनाने हैं 40। 39 चाहिए 18 बॉल में। बॉक्स सम्मानीय लोक नेते दीपा पाटिल साहब, नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय विमानतल, नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट, एक में एयरपोर्ट पूरे मुंबई नवी मुंबई की जो इन प्रोग्रेस चलता हुआ, और नाम रखा गया लोक नेते दीपा पाटिल साहब इन प्रोग्रेस। प्रेजेंटेशन बॉक्स, जब भी ये चित्र ये दृश्य लाइव में नजर आ रहा है, काफी खूबसूरत मोमेंट, जो भी खिलाड़ी आप देख सकते हैं यहाँ पर जब मैन ऑफ द मैच ले रहे, टॉस उड़ाया जा रहा है, हमारे मेहमानों का सम्मान विशेष सम्मान किया जा रहा है उस प्रेजेंटेशन बॉक्स में। A1 जोड़ी रूपेश शेट गायकवाड़ राकेश शेट गायकवाड़ आयोजित प्रतियोगिता आर्या स्पोर्ट्स। किरण मात्रे, गेंदबाज का नाम किरण है लेकिन बल्लेबाज के बैट से 6 रन है, डीप बैकवर्ड स्पेल के ऊपर से आता हुआ सिक्सर। रन चाहिए अब यहां से मुकाबला जीतने के लिए। लोक नेते दीपा पाटिल साहब नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट, पूरे महाराष्ट्र पूरे हमारे आगरी कोली समाज और पूरे हिंदुत्व की बात करें तो ये काफी गर्व मोमेंट जिस दिन अनाउंसमेंट किया गया। किरण मात्रे बॉलिंग मार्क पर, एक्सपीरियंस की कोई कमी नहीं, बेहतर विकल्प है यहां पर कह सकते हैं सोहम और मृणाल स्पोर्ट्स टीम द्वारा, लेकिन सही ठिकाने पर गेंदबाजी करनी होगी क्योंकि पहली गेंद फुल टॉस खराब लाइन, ये भी स्लॉट में आपने दिया था और गेंद सीधा पहुंचाया है मैदान के बाहर। मैदान पर आसमान में देखिए आपको तारे नजर नहीं आएंगे लेकिन यहां पर चमचमाता हुआ गेंद पहुंचा आसमान के तारों की तरह और ये सितारा चमकता हुआ मैदान पर। नाम है बल्लेबाज मनोज दापोलकर, 2 गेंदे 2 सिक्सर, अब जीतने के लिए केवल 27 रनों की आवश्यकता यहां से। भूमिपुत्रांचा आवाज किती दाबा, शेवटी नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळाला एकमेव नाव दिबा। फुल टॉस बॉल ठीक तरीके से इस बार टाइम हुआ नहीं, गेंद जाता हुआ इन फ्रंट ऑफ स्क्वायर, डीप बैकवर्ड स्क्वायर के खिलाड़ी दौड़ कर आते हुए अलोंग द कार्पेट शॉट था 2 रन, 2 रन अर्जित टीम का स्कोर आगे पहुंचता हुआ जा पहुंचा टोटल स्कोर 30 पर 30 रन। चीज चाहिए हाफ वॉली बॉल थी आड़े बैट से, इस बार ऑन ड्राइव कर दिया, गेंद जाता हुआ डीप लॉन्ग ऑन एरिया में, खिलाड़ी वहां पे मौजूद गेंद को फील्ड करने के लिए। दमदार बैटिंग की है, पहले विकेट की साझेदारी आप देख सकते जा पहुंचा है 31 पर 24 रन चाहिए यहां से मैच जीतने के लिए। संतोष मात्रे जिनके बल्ले से अब तक देखा जाए कुल मिलाकर 16 रन आए हैं और दूसरी तरफ
16 रन पर बैटिंग कर रहे हैं मनोज दापोलकर, यानी संतोष मात्रे भी 16 पर खेल रहे हैं, तो डाल डाल में पात पात। राइट एंड राउंड फ्लाइटेड बॉल, तान दिया है बल्ला मिड विकेट की दिशा में और ये हवाई हल्ला, 6 रन यहां पर किरण मात्रे का। किरण मात्रे के ओवर में टोटल रन आए हैं देखा जाए तो कुल मिलाकर 21 रन का ये ओवर था। दो ओवर का खेल कंप्लीट, दो ओवर के खेल के बाद कुल स्कोर है टोटल 37, यानी जीतने के लिए अब यहां से 12 गेंदों में रन बनाने हैं टोटल 18, 12 गेंदे 18 का इक्वेशन। थोड़ा स्पीड अप करना, फटाफट फील्डिंग लगाइए डीजे। सिद्धि विनायक की अगर आर्यन है तो उनसे रिक्वेस्ट है अगले मैच में प्लीज आइए, जरा आपका हेल्प लगेगा स्कोरिंग के लिए। आर्यन मात्रे 12 गेंदे 18 की आवश्यकता, देखना क्या ये मैच जल्दी कंप्लीट होगा या रोचक बनेगा। विकेट दिलाएंगे गेंदबाज, ओवर नंबर 3 में आए गेंदबाजी करने प्रशांत मुंगा जी। पटकी हुई बॉल टॉप एज और अब ये बॉल कहां रुकने वाला है, सीधा विवियन डेवलपर्स की तरफ, ब्लैक हमारा जो स्क्रीन है फ्लेक्स की तरफ, चौका बैट से ये लीडिंग है 4 रन, ये लगता हुआ JWR चौका। अब जीतने के लिए 14 रनों की आवश्यकता, 11 बॉल, बैकफुट पे पंच किया, टैप किया है, गेंद जाता हुआ शॉर्ट स्क्वायर की तरफ और बॉल थोड़ा सा ऊपर से निकल गया, खिलाड़ी डीप में से दौड़ कर आते हुए नजदीकी मामला पहुंचे हैं, भाग मिल्का भाग, लाजवाब रनिंग बिटवीन द विकेट, ऐसा लगा डिस्कवरी चैनल पर दो चीता दौड़ रहे। जबरदस्त बल्लेबाजी संतोष मात्रे मनोज दापोलकर द्वारा, 10-12 तीखा बाउंसर था ये, टीम टीम आती हुई गेंद, बिल्कुल जो बॉल था कंधे के नीचे ही था, मतलब छाती से गेंद गुजर के गई है, बढ़िया निर्णय वहां पर हमारे अंपायर द्वारा। निशांत मात्रे अंपायर, अपर कट करने का प्रयास, बॉल थोड़ा सा आगे गिरा फ्लाई स्लिप के, लेकिन ये सब कैचेस पकड़ने होंगे अगर मैच में पकड़ बनानी है तो, ये नहीं चलने वाला। 1,00,000 का आप OPL खेल रहे हैं, जान झोंकना होगा पूरी तरह मैदान के अंदर। इक्वेशन अब बदलता हुआ, जीतने के लिए 8 गेंदों में 11 की आवश्यकता, लेकिन एक ही सवाल यहां से कि सोहम रुनाल स्पोर्ट्स टीम को विकेट चाहिए किसी भी हाल में, थोड़ा सा स्पीड ब्रेकर लगाना होगा रनों की गति के ऊपर। प्रशांत मुंगा जी ने अब तक 7 रन दिए है 4 गेंदों में इस ओवर में, स्कूप शॉट लगाने का प्रयास था, सुपला शॉट खेलने की कोशिश, दिल स्कूप, संतोष मात्रे चेहरे पे मुस्कुराहट, आप देख सकते हैं दमदार बैटिंग किया संतोष मात्रे ने। इस बॉल पर भी एक आ चुका है, अब 7 गेंदे 10 का इक्वेशन है, एक विकेट या डॉट बॉल अगर आ जाता तो मैच फिर से कहीं ना कहीं रोमांचक स्थिति में, रफ एंड टफ मैच हो जाएगा पूरी तरह, रोचक ये मुकाबला दूधिया रोशनी में, जद्दोजहद जीत के लिए चलता हुआ दो टीमों के बीच। ओवर द विकेट अगली बॉल, प्रशांत मुंगा जी की अच्छी गेंद, थोड़ी सी गति कम रखी थी हालांकि मनोज दापोलकर को सिंगल मिला है, ओवर की हुई है समाप्ति, अब जीतने के लिए 9 रन चाहिए 6 गेंदों में, कंपलसरी चाहिए 6 गेंदे 9 रन, फटाफट फील्डिंग लगानी है और बॉलर को बॉलिंग रनअप पर आना है, 6 गेंदे 9 रन, चलते हैं हमारे डीजे सैंडी SDC साउंड।
थैंक यू ओम साई राम। देखिए हमारे ऑफिशियल्स अंपायर भी शिरडी गए हैं, शिरडी का टूर करने। हर साल आप देख सकते हैं हमारे नीरज रनावत सर जाते हैं, लेकिन ओपीएल घर जैसा ये प्रतियोगिता, किसी न किसी को रहना यहाँ पर, और उन्होंने तवज्जो दिया इस प्रतियोगिता को, ओपीएल को। भले चार दिन नहीं रहे इस प्रतियोगिता में ऑफिस के काम की वजह से, लेकिन ओपीएल के दो दिन के लिए उनकी अवेलेबिलिटी आप देखते कितना मायने रखती है इस प्रतियोगिता में। और ये इनके रहने से जो पैनल में बाकी जो अंपायर्स होते हैं उनमें अलग ऊर्जा आ जाती है। यही वजह है कि सुबह 9 बजे अगर मैच शुरू भी हो तो सुबह 6 बजे तक भी खड़े रहने की क्षमता और एबिलिटी है हमारे अंपायर्स के अंदर। ये है नीरज रनौत पैनल। और द विकेट, अजीत आए हैं आखिरी स्पेल लेकर, 6 गेंदे, 9 की आवश्यकता थी। गेंद खेला है गैप में लेग साइड की तरफ, 2 की मांग है, लाजवाब रनिंग बिटवीन द विकेट। संतोष मात्रे की तारीफ करने की, 40+ खिलाड़ी है और स्वास्थ्य शरीर आयुष्मान। ये वृद्ध वर्ग लेकर जब खिलाड़ी मैदान पर उतरते ना तो 40+ खिलाड़ी की जो उम्र की हुनर बढ़ जाती है फिर मैदान के अंदर। एज इज जस्ट नंबर, उम्र तो खाली एक नाम का नंबर है। अगर टैलेंट और आपके अंदर एबिलिटी है तो आप कुछ भी कार्य कर सकते हैं। ऑन साइड की तरफ स्ट्रोक खेला गया है, नजदीकी मामला, देखिए कुंडे वाहल के हमारे नामदेव जी बोहिर साहब की तरफ से। चलिए यहां से अब संतोष मात्रे, जो अभी जानकारी मिली हमारे रिवोल मात्रे सर के भाई हैं, और अगर यहां से आने वाली गेंदों पे चौके सिक्सर लगाते हैं, मैच फिनिश करवाते हैं, तो निश्चित तौर पर 500 का इनाम नामदेव जी बोहिर हमारे कुंडे वाहल के उनके तरफ से। अब जीतने के लिए 2-4 गेंदों में 5 की आवश्यकता, 4 गेंदे 5, 2 गेंदे 2 डबल आया है संतोष मात्रे। देखिए दो भाई कितना अच्छा 40+ क्रिकेट खेलते हैं, एक गांव का नाम रोशन कर रहे हैं, एक टेनिस क्रिकेट में ऑलरेडी नाम रोशन कर चुके हैं। अमृत 11, जावेद शेख, अविनाश यादव, भरत लोहार, ऋषि वैद्य, ये नामचीन खिलाड़ियों के अगेंस्ट ऑलरेडी लाजवाब गेंदबाजी कर चुके हैं। नजीबुल्ला ट्रॉफी 2012 में 1 ओवर में 6 रन डिफेंड करना था, वो कारनामा किया था रिवोल मात्रे ओले के तब के समय। फुल टॉस बॉल, मनोज धापोलकर के बैट से निकलता हुआ गेंद, और गेंद सीधा गया है ओले गांव की तरफ। तो से मैच जीता आपने, और कहीं ना कहीं 3 बॉल रखकर ये टारगेट चेस किया गया 55 का। कांग्रेचुलेशन टीम सिद्धिविनायक। नक्कीच आम्ही मंचावरती सन्मान करू, इथे आमचे चला जानवी 11 टीम, आपण टॉस जिंकला निर्णय लगेच कलवा मैदानामध्ये उतरायचा आहे, इथे सन्मान केला जाईल आमच्या मान्यवरांचा। तर नक्कीच आदरणीय उपस्थित मान्यवर संगमजी जितेकर साहेबांचा इथे सन्मान केला जाईल आमचे